बच्चों, आज हम लोग जेई में जनवरी अटेम्प्ट को एनालाइज करने चल रहे हैं। आपको ये पता है कि ये पेपर 6 दिन हुआ, डेली ये मॉर्निंग इवनिंग 2 शिफ्ट में हुआ, तो हम लोग ये बात करने चल रहे हैं कि किस शिफ्ट में कितने मार्क्स पर कितना परसेंटाइल आने की उम्मीद है। फिर हम लोग इसके एवरेज की बात करेंगे, फिर हम लोग एडवांस में बैठने के लिए जो कट ऑफ मार्क्स होने चाहिए कैटेगरी वाइज, हम लोग उसकी बात भी करेंगे। ठीक बच्चों, इससे पहले कि हम लोग ये एनालिसिस स्टार्ट करें, एक डिस्क्लेमर। ये जितना भी एनालिसिस किया गया है, ये प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स को देखते हुए, फिर इस साल जो बच्चों ने पेपर दिया उनका टफनेस, उनका ईजीनेस लेवल एट्सेट्रा, वो सब मैच करने के बाद में ये डाटा निकाला गया है। तो ये एक एक्सपेक्टेड डाटा है, एक्चुअल तो जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलता है, लेकिन हाँ, इससे एक अनुमान आपको ज़रूर लग जाएगा कि आपका जो मार्क्स है वो कहाँ आ रहा है और उस पर आपको क्या परसेंटाइल मिलना चाहिए। और एक बार अगर आपको परसेंटाइल पता चल गया तो फिर आपको आपकी रैंक भी पता चल जाएगी। ठीक है, लेट्स बिगिन। तो बच्चों, इस बार का जो जनवरी अटेम्प्ट था वो उसमें दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक बात तो ये थी कि बच्चों को लास्ट तक ये लग रहा था कि शायद पेपर नहीं हो पाएगा, लेकिन NTA ने डिक्लेयर कर दिया, डेट्स डिक्लेयर कर दी, तो बच्चों की तैयारी पूरी नहीं थी। इस लिहाज से देखा जाए तो उनका जो प्रिपरेशन लेवल था वो उतना अच्छा नहीं था जितना अप्रैल में हो जाएगा। एक ये फैक्टर था। लेकिन दूसरा फैक्टर जो इसके अपोजिट काम कर गया वो ये था कि पेपर ओवरऑल ईजी आया। पेपर को अगर हम लोग एक एवरेज देखें तो वो इजी आया, किसी किसी शिफ्ट में टफ आया, लेकिन अगर आप पूरे का एक क्यूमुलेटिव निकाल लोगे जिसको आप एवरेजिंग कहते हो, और अभी JEE उस पर नॉर्मलाइजेशन भी करेगा, तो ओवरऑल जो देखा जाएगा तो पेपर इजी आया। तो इसका मतलब ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को काउंटर कर रही हैं, तो उसका इफेक्ट मिला जुला के पड़ेगा। ठीक, सबसे पहले तो ये बात आई। तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों इसके एग्जैक्ट डाटा को। ये ऊपर जो बच्चों लिखा हुआ है ये डेट हो गई आपकी 24/1, 25/1, 24 जनवरी, 25, 29 एंड सो ऑन, और ये इधर परसेंटाइल है बच्चों, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाटा हो जाएगा अगर हम लोग 80 और इस तक जाते हैं तो एक हम लोग इतने डाटा को पहले कवर कर लेंगे, तो उससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि अगर आपका मार्क्स इस रेंज में है तो कहाँ तक है। बच्चों 24/1 पे, 24 जनवरी पे जो 99% है वो फर्स्ट शिफ्ट में 190 और सेकंड शिफ्ट में 180 रहने की उम्मीद है। इसी तरह से बच्चों 98% 172 फर्स्ट, ये फर्स्ट शिफ्ट है और ये दूसरी शिफ्ट है 154, 97 153 और 146, ये फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट, 96% 143 और 131 फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट अगेन, 95% 130 और 127 बच्चों ये फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट एंड सो ऑन। इसी तरह से 90% 92 और 87, ये मतलब जो 24 जनवरी को जो पेपर हुआ जिस जो इजी पेपर भी था, तो उसका ये फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की ये परसेंटाइल रहने की उम्मीद है। इसी तरह से बच्चों 25 जनवरी को जो दोनों पेपर्स थे वो ऑलमोस्ट एक जैसे ही थे, तो उसमें 180 का ही एक्सपेक्टेशन है, 98% के लिए 154 और 146 अगेन बेटा फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट है ये, 140 और 135, 96 के लिए 125 और 121, 95 के लिए 116, 120 और 90 के लिए 84 और 92। ये एक एक्सपेक्टेड डाटा है, ये एक एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं जिन पर कि ये परसेंटाइल मिलने की संभावना है। बेटा ये परसेंटाइल है और ये मार्क्स हो गए, ये सब फर्स्ट, पहले जो इधर है फर्स्ट से फर्स्ट शिफ्ट और उधर सेकंड शिफ्ट। 29 में 174 और 170, बेटा अब आपने जिस शिफ्ट में पेपर दिया है, जिस दिन दिया है उसके अकॉर्डिंग आप अपने को मैच कर सकते हो, 98, 162, 148 और 97 आना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 145, 128। बेटा इन नंबर्स में आप कह सकते हो प्लस माइनस 10 का चेंज हो सकता है, जो कि क्वाइट पॉसिबल है पेपर के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। 96% 135 और 106,
90 परसेंटाइल 90 नंबर्स पर भी ये फर्स्ट शिफ्ट में और 85 सेकंड शिफ्ट में। 30 बेटा 30 में ये 175 और 181 रहने की उम्मीद है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में। 160-165 रहने की उम्मीद है 98 परसेंटाइल के लिए। 145-150 97 परसेंटाइल। 96-137-131 95-125-120 और इधर ये 90 और 86। बच्चों ये एक्सपेक्टेड है, प्लस माइनस 10 मार्क्स का वेरिएशन इसमें ज़रूर पॉसिबल है, हो सकता है, लेकिन ये एक रिसर्च करके ये पूरा डाटा इकट्ठा करके तब बनाया गया है। 31st बेटा इसमें पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट दोनों ऑलमोस्ट एक जैसी थी, तो इनके मार्क्स भी एक जैसे जाने की उम्मीद है 99 परसेंटाइल के लिए। इधर ये 142 और 158 जाने की उम्मीद है 98 परसेंटाइल के लिए। 125, 115, 126, 105, 114 और 77 और 81 ये डाटा मिल रहा है 31st को जो पेपर हुआ उसके लिए, ठीक है, ये 90 परसेंटाइल तक का। और बच्चों जो लास्ट दिन हुआ यानी जो लास्ट 1st फरवरी को जो पेपर हुआ उसमें जो जाने की उम्मीद है 99 परसेंटाइल के लिए, फर्स्ट शिफ्ट में 187, सेकंड शिफ्ट में 182। 98 परसेंटाइल में दोनों शिफ्ट्स के जो मार्क्स हैं वो एक जैसे दिख रहे हैं 158। 97 परसेंटाइल के लिए 150, 142। 96 के लिए 130, 124। 95 के लिए 122, 115 और 90 परसेंटाइल के लिए 90/82। ये फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट्स के बच्चों ये डाटा हैं जो एक्सपेक्टेड है कि इतने उस दिन इस शिफ्ट में ये परसेंटाइल पाने के लिए आपको ये स्कोरिंग करनी पड़ेगी, ठीक। तो बच्चों अब आप इसके अनुसार अपना देख सकते हो कि आपका किस शिफ्ट में था, किस दिन था, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपने जो आपका मार्क्स है वो पता चल जाएगा, तो एक अंदाज़ा परसेंटाइल पता चल जाएगा। परसेंटाइल पता चल गया तो आपको आपकी रैंक का भी एक अंदाज़ा लग जाएगा। अब बात करें बच्चों अगर इसके एवरेज की, तो एवरेज मार्किंग करीब करीब वही आ रही है जो हम लोगों ने पहले भी एक्सपेक्ट किया था, जो पहले भी एक्सपेक्ट किया था 99 परसेंटाइल। बच्चों ये जो एक्सपेक्टेड दिख रहा है 175 मार्क्स पर, 99 परसेंटाइल 175 मार्क्स पर एक्सपेक्टेड दिख रहा है। अगेन प्लस माइनस 10 आप कह सकते हो या प्लस माइनस 5, इसमें तो प्लस माइनस 5 175 वाले में। 98 परसेंटाइल आपको 158 पर मिलने की उम्मीद दिख रही है। 97 बच्चों इसमें हम लोग पूरा 90 तक का डाटा कवर करेंगे। 97 परसेंटाइल 145 मार्क्स पे, 96 122 मार्क्स पे, ये एवरेज है पूरे जनवरी अटेम्प्ट के का पूरा एवरेज। 95, 116, 94, 102, 93 ये 98 नंबर पे, 92 ये 91 मार्क्स पे, 91 85 मार्क्स पे और 90 ये 82 मार्क्स पे। बच्चों ये जितनी बातें हम लोग कर रहे हैं ये सब जनरल कैटेगरी के लिए बात हो रही है,
ये सारी बातें जितना ही हम लोग ये सब निकाल रहे हैं, ये सारे जनरल कैटेगरी के लिए, तो ये परसेंटेज, ये परसेंटाइल इतने मार्क्स पर और एंड सो ऑन, ये एक एवरेज आ रहा है। इस पूरे का जब आप निकालोगे तो एक अप्रॉक्सीमेट एवरेज आपको ये मिलेगा, ये परसेंटाइल है और ये मार्क्स हैं, जितने मार्क्स पर ही परसेंटाइल आपको मिलने चाहिए। इसके अलावा बच्चों जो कट ऑफ, यानी बच्चों एडवांस देने के लिए, एडवांस देने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो लास्ट ईयर के जैसा ही रहने की उम्मीद है। जनरल के लिए, जनरल के लिए यानी अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और एलिजिबिलिटी की बात की जाए एडवांस देने के लिए, तो वही 70 मार्क्स आने चाहिए। 70 मार्क्स बेटा, ये मार्क्स है 70 मार्क्स। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का करीब करीब सेम जाता है, तो ये करीब करीब आप कह सकते हो 45 से लेकर के 50 मार्क्स तक। और एससी और एसटी कैटेगरी में ये बच्चों 30 और 25, या कह लो आप 30 से लेके 25 की रेंज में ये रहने की उम्मीद है। एससी का 25 और एसटी का, सॉरी एससी का 30 और एसटी का 25, ये इस रेंज में रहने की उम्मीद है। तो ये बच्चों आपने एक एक्सपेक्टेड जो डाटा था वो देखा, अब इसके अकॉर्डिंग आप अपना देख सकते हो कि आपके मार्क्स कहाँ आ रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपनी कमियों को भी पहचान सकते हो। और ये ज़रूर देखो बेटा, अभी आपका मार्क्स अगर कुछ कम भी आ रहा है तो उस पर कोई बहुत परेशान होने की, बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत बच्चों बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास अप्रैल वाला अटैम्प्ट बचा हुआ है। इस बार में हो सकता है आपकी तैयारी पूरी अच्छे से ना रही हो, आपका सिलेबस पूरा ना रहा हो, प्रैक्टिस आपकी पूरी ना रही हो, तो उस कमी को ढूंढना है और उसको ढूंढ करके जो अप्रैल अटैम्प्ट है उस पर उसको सुधारना है, ठीक है। तो आपके पास बहुत टाइम है बच्चों। जहाँ तक फिजिक्स का सवाल है, तो फिजिक्स के लिए आप जो फिजिक्स मूनशॉट का ऐप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको डाउनलोड कर लो, और उसमें आपको जहाँ भी जो भी प्रॉब्लम फिजिक्स से रिलेटेड आती है उसके चैट बॉक्स में आप पोस्ट कर सकते हो। कई सारे चैप्टर्स उसमें बच्चों लोड भी हो रहे हैं फिजिक्स के, जैसे उसमें न्यूटन्स लॉ, फ्रिक्शन, इलेक्ट्रोस्टैट्स, ये सब कई चैप्टर्स उसमें लोड हो चुके हैं बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे। उसको आप लेकर के अपनी उस प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो, इस पर और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोज आते रहते हैं। इसका फिजिक्स मूनशॉट का जो टेलीग्राम चैनल है बच्चों उसको भी सब्सक्राइब करके रखो, उसमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती हैं, बहुत सारे रीडिंग रिसोर्स आपको मिलते रहते हैं। तो इसलिए बच्चों बिल्कुल नर्वस नहीं होना है, आपकी प्रिपरेशन आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी, आप उसको और अच्छे से करो, देखो कहाँ पे कमी है उसको दूर करो, एंड कीप प्रॉस्पेरिंग, कीप स्टडिंग, गॉड ब्लेस यू।